अकाउट डैम का काम किया जा रहा है। इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर काम जारी है। ये परवन नदी, इसका वीडियो मैंने 3 साल पहले भी बना चुका हूँ और बीच में बना चुका हूँ, 2 बार बना चुका हूँ, ये 3री बार है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, जब से डैम का काम स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से मैंने वीडियो बनाया था, आपको मेरे चैनल पर देख सकते हैं अकाउट डैम के नाम से। और ये 3रा वीडियो है, ये शायद मैं 3 से 4 साल करीब हो गया मुझे यहाँ आया हूँ। उसके बाद में बीच में एक बार और आ जाता, 2 साल के बाद आया हूँ। तो इतना काम हो चुका है, पहले कितना काम हो चुका था मेरे वीडियो में देख सकते हैं। और इस प्रकार आप जैसे देख रहे हैं ये गेट बन रहे हैं, अब इसको गिन सकते हैं आप कितने गेट होंगे। ये अभी तो काम जारी है, 3-4 करीब 12 से 14 के लमसम हो सकते हैं। और इस प्रकार देख रहे हैं आप, ये काम जारी है, यहाँ पर कंक्रीट डाला जा रहा है, कंक्रीट सरिये की मदद से गेट का निचले का जो हिस्सा है उसको बनाया जा रहा है मजबूत ठोस, क्योंकि पानी को रोकेगा ये। और इस प्रकार ये देखिए कंक्रीट पंप मशीन द्वारा कंक्रीट डाला जा रहा है स्विंग मशीन द्वारा, इस तरह से ये डैम में कंक्रीट और ये नीचे स्टील सरिये का जाल है, इसके ऊपर कंक्रीट डाला जा रहा है, मजबूत डैम बनेगा। और ये इधर बारा जिला कोटा जिला में पानी की सप्लाई करेगा, ये से काफ़ी पानी की सप्लाई हुई है। झालावाड़ जिले में अकाउट गांव के पास अकाउट डैम के नाम से बनाया जा रहा है अरवन नदी पर। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नहर निकलेगी, जो ये सीधी इधर 100 फुट नहर बनाई जा रही है आगे, इसका भी काम जारी है। तो यहाँ से ही पानी निकलेगा या डैम बन जाएगा, यहाँ पानी भरा रहेगा तो यहीं से पानी छोड़ा जाएगा नहर के जरिए और गाँव में सप्लाई की जाएगी पेयजल की और सिंचाई के लिए। तो ये देखिए इस प्रकार यहाँ पर गिट्टी के टीले खड़े किए जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पानी का ठहराव किया जाएगा, अच्छा खासा पानी भराएगा तो चारों तरफ से अच्छी सेफ्टी की जा रही है। एक तरफ से नदी आएगी पानी, और तीनों तरफ से किया जाएगा और एक तरफ से गेट लगेंगे। और अभी भी इस टाइम पर इतना पानी है इसके अंदर, और मैं जहाँ पर ये खड़ा हूँ यहाँ पर ये फेंसिंग लगी हुई है, ये लास्ट स्टेज का गेट रहेगा यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि दोनों साइड के काम जारी है और पानी का भी निकास है। बारिश के टाइम पर पानी आने लग जाता है, और ये एक्सेवेटर सैनी का एक्सेवेटर काम कर रहा है। मशीनों की तो आवश्यकता होती है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मशीनों बिना हो नहीं सकता, इसलिए कंक्रीट पंप एक्सेवेटर सब कुछ है। यह प्लांट भी लगा हुआ है प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ से ये कंक्रीट लाया जा रहा है, मशीनों द्वारा काम जल्द से जल्द किया जा सकता है। जैसे अभी इसको समय लगेगा, क्योंकि 3 से 4 साल तो मुझे देखते होंगे और अभी कितना टाइम लगेगा। इस प्रकार ये देखिए यहाँ पर डंपर एक्सेवेटर मशीन सब काम कर रही है, ये इस जगह पर पानी भरा जाएगा। और ये आप दूसरी साइड पर भी देख रहे हैं, उधर भी रास्ता है जहाँ पर यह गाड़ी चल रही है, डंपर चल रहा है, उस साइड भी चलेंगे आने वाले समय में, उधर भी जाएंगे। अभी मैं इधर आया था तो एक छोटा सा वीडियो डैम का चैनल पर अपडेट रहेगा। और एक यहाँ पर ये जिस साइड पे मैं हूँ यहाँ पर एक साइड बाबा रामदेव जी का मंदिर भी है, आप देख रहे होंगे बाबा रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पर। पहले मैंने इसको कुछ बालाजी का मंदिर बता दिया था, बट भगवान सभी एक ही होते हैं इसलिए गलती माफ़ करें। बाबा रामदेव का मंदिर है यहाँ पर, और ये प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर साइड पर, यहीं से कॉन्क्रीट मिक्स किया जा रहा है और यहीं से नीचे ले जाया जा रहा है, डैम के मजबूत बनाया जा रहा है। प्लांट लगा हुआ है डैम के प्रोजेक्ट के कार्य के लिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको बने दीजिए, आने वाले समय में देते रहेंगे इसका अपडेट। ये 3रा वीडियो है मेरा अकाउट डैम का, और आप देखते रहिए, आप लोगों का प्यार बना रहेगा चैनल पर, तो मैं आगे और अच्छे से वीडियो बना के लाता रहूँगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी आगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं किसी और प्रोजेक्ट का, सबका वीडियो बनाते रहेंगे अपडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।